आज का आप लोगों का नया क्लास है प्रश्नावली 17.2। निम्न भिन्नात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ये हमारा पेज नंबर 233 का सवाल है, तो इसको हम लोग चलिए हल करते हैं। निम्न भिन्नात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, ये 3/5, उसके बाद है 6/5 और ये क्या है 7/5। तो जो दिया हुआ सवाल है उसमें अंतर क्या है तीनों सवाल में। जैसे ये 3/5, इसका अंश क्या है छोटा है और हर क्या है बड़ा है, तीखा होगा उचित भिन्न है, और यहाँ पे हर इसका बड़ा है, इसका अंश क्या है छोटा है, तो ये अनुचित भिन्न है। और सवाल नंबर 3 7/8, जिसका अंश क्या है अंश 7 है और हर 8 है, तो अंश से हर क्या है बड़ा है, तो ये भी हमारा क्या है उचित भिन्न है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। हमारा सवाल है 1/3/5। अब 3/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो कैसे प्रदर्शित होगा उसके लिए हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे। हम लोग उसमें स्टार्ट करते हैं, कहीं पे एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु क्या हो जाएगा 0 होगा। और ये पार्ट जो है आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, ये कक्षा 7वीं का रिवीजन हो रहा है। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही सरल है, लेकिन जितना सरल लगता है बाद में समझ में नहीं आता, इसलिए अभ्यास की आवश्यकता जरूरी है। गणित एक ऐसा विषय है जिसे हम लोग बिना अभ्यास के नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3/5, तो 3/5 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे 0 से लेकर इधर 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, ये 5, जैसे 5 होगा वहाँ पे कितना हो जाएगा 1। पुनः अगर 2 लाना है तो हम जैसे 1 0 लिखे, यहाँ पे 1 लिखे, 2 लाना है तो क्या करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगला अगर चाहें तो फिर क्या होगा 1 2 3 4 5, तो यह कितना हो जाएगा 3। ये 5 5 क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि ये जो पूर्ण इकाई है कितने भागों में बटा हुआ है, 5 भागों में, इसलिए हम लोग सभी के बीच में कितने खाने खींच रहे हैं 5 खाने खींच रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को संख्या रेखा में दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे, ऊपर में कितना है 3 भाग दिया हुआ है, तो 0 के बाद गिनेंगे 1 2 3, ये हमारा तीसरा भाग है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक तीर का निशान बनाकर 3/5। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 1 का सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं, 6/5 6/5 क्या है, ये पहले सवाल से थोड़ा सा क्या है भिन्न है, ये क्या था उचित भिन्न और ये क्या है अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न दिया हुआ था कैसा है, इसका अंश क्या है बड़ा है और हर क्या है छोटा है, तो एक बार इसमें हम लोग क्या करेंगे कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 से भाग करके 6 को करते हैं तो कितना बार जाएगा 5 1 5, और ये घटा देंगे तो शेष बचेगा 1। तो ये संख्या हमारा कैसा हो गया, जो अनुचित भिन्न है उसका हम लोग किस रूप में लिखेंगे, ये हमारा बन जाएगा मिश्र भिन्न। 1 ये हमारा भागफल है, 1 ये शेषफल इसके ऊपर में आ जाएगा, और जो इससे हम लोग भाग दिए हैं ये नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग 6/5 को अब 1 पूर्णांक 1/5
पांच लिखेंगे, मतलब ऐसा लिखा जा सकता है, ये और ये दोनों सेम है लेकिन ये लिखने का तरीका क्या है थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए, अब इसका मतलब संख्या रेखा में मैं दोनों को लिख के दिखाऊंगा आपको, इसको भी और इसको भी कैसे खींचेंगे, थोड़ा सा अंतर है, बाकी उत्तर हमारा एक ही आएगा। तो चलिए देखिए दोनों को हल करते हैं। इसके लिए हम लोग पहले सवाल की तरह एक संख्या रेखा बनाते हैं। हम लोग अगर चाहते तो इसको सवाल नंबर एक में ही संख्या रेखा में दर्शा सकते थे। आप लोगों को मैं एक नंबर में भी दर्शा के दिखाऊंगा, क्योंकि दोनों का हल क्या है समान है। यहाँ भी पांच है सवाल नंबर एक में, और सवाल नंबर दो में भी पांच है, इसलिए क्या है एक सवाल में दोनों का उत्तर आ सकता था और आ भी जाता, लेकिन मैं समझाने के लिए अलग अलग बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सेम ऐसी होगा, एक बिंदु ले लिए, यहाँ पे क्या होगा पहले सवाल की तरह एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये दो हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच, लगभग ये हो चुका है, इतना में हमारा उत्तर आ जाएगा। हम लोग इससे पहले पढ़े थे एक पूर्णांक एक बटे पाँच, एक पूर्णांक एक बटे पाँच को कैसे पढ़े थे कि एक क्या है, एक पूर्ण इकाई है। जैसे हम लोग इसको चित्र के माध्यम से दर्शाने के लिए बदला था तो एक पाँच खाना था, एक दो तीन चार पाँच प्लस क्या था धन डाल के एक दो तीन चार पाँच, इस प्रकार ये पूरा चिन्हांकित था और इसमें का एक, इसको कैसे लिख देते हैं पूर्णांक एक बटे पाँच, तो उसी प्रकार है। तो एक एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या एक, तो इसलिए क्या होगा एक पूरा, मतलब शून्य के बाद सीधा हम लोग कहाँ पर पहुँच जाएंगे एक में पहुँच जाएंगे, और उसके बाद एक के बाद पहला हिस्सा, हमारे पहला हिस्सा यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो कितना हुआ एक बटे पाँच, थोड़ा समझना है, जैसे एक है तो सीधा कितना हो गया शून्य के बाद एक में आए, एक के बाद कौन सा भाग है ऊपर में पहला भाग, इसलिए पहला भाग में लिख दिए, इसका आंसर आ चुका है। अब इसमें अगर करना है तो कैसे गिनेंगे, देखिए ऊपर में कितना दिया हुआ है छः, जैसे हम लोग यहाँ पे एक के बाद गिने, एक के बाद एक हम गिन दिए तो यहाँ एक था इसलिए एक गिन दिए, ऊपर में कितना दिया हुआ है पाँच और नीचे दिया हुआ है छः, तो देखते हैं, देखिए नीचे में पाँच है कि नहीं है शून्य, एक दो तीन चार पाँच हो गया, अब ऊपर में गिनना है छः, तो शून्य के बाद छः गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः हुआ, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं याद करके छः बटे पाँच भी लिख सकते हैं। छः खाना गिन के देख लीजिए, शून्य एक दो तीन चार पाँच और एक छः, और इसमें एक पूर्ण संख्या है एक बटे छः, लगभग दोनों का उत्तर सेम आ रहा है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से भी हल करके डायरेक्ट लिख सकते हैं तो भी कोई अंतर नहीं आएगा, और भाग करके लिखेंगे तो भी कोई अंतर नहीं है, उत्तर सेम आएगा। अब इसी में हम लोग इस प्रश्न को इसमें कैसे दर्शाते देखिए, इसमें भी देखिए सेम है शून्य एक दो तीन चार पाँच, और यहाँ दिया हुआ है छः, तो यहाँ पे तीर डालकर दर्शा सकते थे कितना छः बटे पाँच। ये कब संभव है, जब प्रश्न में क्या दिया हो दोनों का हर क्या दिया हुआ है सेम दिया हो, जब सेम दिया है तब हम लोग एक सवाल में कई ठों को दर्शा सकते हैं, अगर हमारा हर अलग अलग होगा तो एक सवाल में दो सवाल को नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार सवाल नंबर एक में दो कंप्लीट हो चुका और एक दो भी दोनों नियम से कंप्लीट हो चुका है और दोनों का आंसर एक है। अब सवाल नंबर तीन देखिए सात बटे आठ, अगर सवाल अगर समझ में नहीं आता होगा तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। अब दिया हुआ यहाँ पे सात बटे आठ, यहाँ था पाँच यहाँ आठ, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो संख्या रेखा बनाएंगे, यह हमारा शून्य यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कितना था
पांच था, मतलब शून्य के बाद पांच गिनते थे, शून्य एक दो तीन चार पांच के बाद जहाँ पांच होता था वो एक होता था, फिर शून्य एक दो तीन चार पांच, जहाँ पांच कंप्लीट हुआ वहां पे दो। तो उसी प्रकार यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आठ दिया हुआ है। तो शून्य के बाद कितना खाना बढ़ेंगे, एक कदम, एक कदम दो तीन चार पांच ऐसा बोल सकते हैं। तो शून्य के बाद कितना हो जाएगा, एक कदम दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहाँ आठ, इसलिए हम लोग आठ लाइन खींचेंगे छोटा छोटा, और आठ के बाद ही क्या होगा, एक होगा। अब ये क्यों होगा इसको भी मैं बतला दूंगा कि हम लोग कैसे इसको लिखते हैं। यहाँ पे आठ के बाद एक क्यों आ रहा है, फिर यहाँ पे शून्य एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहाँ कितना हो जाएगा दो। और जितना बार इधर बढ़ते जाएंगे, हर में आठ है तो सभी में क्या डालिएगा, आठ आठ डालिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, गिनना है सात, शून्य के बाद शून्य से ही स्टार्ट करेंगे, शून्य एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो हमारा कितना हो गया ये सात बटे आठ। इस प्रकार सवाल नंबर एक के तीनों सवाल हल हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा अब इसको बतला दे रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे आठ लाइन खींचने के बाद एक क्यों लिखे, पांच लाइन खींचने के बाद क्यों लिखे, तो थोड़ा सा कहीं को मिटा दिया जाए, चाहे नहीं भी मिटाते हैं तो चलेगा। था देखिए यहाँ शून्य है, एक दो तीन चार पाँच के बाद यहाँ पे कितना होगा एक, एक क्यों लिख रहे हैं हम, एक एक तीन बटे पाँच के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ अगर पाँच है तो क्या है, ये टोटल पांच भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में बटा हुआ है, पांच भागों में। तो ये पांच का कौन सा भाग है, पहला भाग, इसको हम लोग कितना लिखेंगे एक बटे पांच, ये कितना हो जाएगा दो बटे पांच, ये कितना हो जाएगा तीन बटे पांच, ये कितना हो जाएगा चार बटे पांच, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे, ये कितना हो जाएगा पाँच बटे पाँच। अभी पाँच बटे पाँच है, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, यहाँ कितना हो गया एक आ गया। अब इसके बाद इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इस संख्या को लिखने का थोड़ा दूर दूर लिखा था, वैसे भी इसी को लिख के भी दिखा दूंगा। अब इसके बाद एक हमारा प्राप्त हो चुका है, फिर इधर पाँच तो होगा, एक दो शून्य एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, तो कितना हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच, इसको कितना लिखेंगे छः बटे पाँच, ये कितना हो जाएगा सात बटे पाँच, आठ बटे पाँच, नौ बटे पाँच, दस बटे पाँच। अभी दस बटे पाँच हुआ, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे पाँच एक हम पाँच, पाँच दूनी दस, तो हमारे पास यहाँ कितना आया दो। इस प्रकार हम लोग लिखते हैं इसको, ये कौन सा भाग है, ये एक एक बटे आठ का पहला भाग, इसलिए कितना लिखेंगे इसका मान क्या होगा एक बटे आठ, ये कितना हो जाएगा दो बटे आठ, ये कितना हो जाएगा तीन बटे आठ, ये चार बटे आठ, ये पाँच बटे आठ, छः बटे आठ, ये सात बटे आठ, तो ऐसे लिखेंगे इसको आठ बटे आठ, आठ से आठ कट जाएगा तो कितना होगा एक होगा। लगता है आप लोग अब संख्या रेखा में जरूर प्रश्नों को बना लेंगे। अब हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को पूर्णांक के रूप में लिखिए। इसमें हमारा सवाल दिया हुआ है एक से लेकर पाँच तक, आठ बटे एक, बारह बटे एक, बीस बटे एक, उनचालीस बटे एक और उनसठ बटे एक। तो इसको हम लोग हल करते हैं, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, बस आप लोगों को वीडियो लगातार नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा।
हर एक आठ बटे एक, तो आठ बटे एक का मतलब है अगर हमको जरूरत नहीं पड़ता है किसी भी संख्या के नीचे क्या है एक शामिल रहता है तो हम लोग इसको आराम से छोड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर लिख देंगे तो क्या होगा आठ बटे एक। तो इसको परिमेय पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो इसे को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा इसका आठ। जरूरत पड़ने पर लिखते हैं और जरूरत नहीं पड़ता है तो छोड़ देते हैं। यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा ऋण बारह बटे एक का क्या हो जाएगा एक छूट जाएगा ऋण बारह। तीसरा नंबर बीस बटे एक कितना हो जाएगा ये बीस। चौथा नंबर है ऋण उनचालीस बटे एक, तो कैसे लीजिएंगे ऋण उनचालीस। और पांचवा नंबर उनसठ बटे एक बराबर उनसठ। तो इसमें क्या है जरूरत पड़ता है तो हम लोग यहाँ पे जैसे संख्या दिया हो यहाँ पे धन भी छुपा हुआ है जरूरत पड़ता है तो हम लोग इसमें धन लिख सकते हैं इसमें भी धन लिख सकते हैं और जरूरत नहीं है तो नहीं दिखाते हैं। और ऋण को लिखना पड़ता है उसी प्रकार किसी भी संख्या के साथ में क्या है एक छुपा हुआ रहता है तो जो छुपा हुआ एक है उसको हम लोग जो पूर्णांक के रूप में लिख रहे हैं उसको सभी में छुपा दिए जब आवश्यकता पड़ेगा तो इसको लिख देते हैं। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर दो पूर्णांक के रूप में दर्शाना हो चुका है। हमारा सवाल नंबर तीन है नीचे दी हुई संख्या में से बड़ी संख्या तुम बतलाइए। इसमें हमारा पहला नंबर सवाल है पाँच बटे नौ और जीरो में, दूसरा है ख नंबर ऋण छः बटे सात और जीरो में, ग नंबर है ऋण पाँच बटे तीन और सत्रह बटे दस में, और घ नंबर है ऋण छः बटे पाँच और तेरह बटे आठ में। हमको इसमें क्या करना है बड़ी संख्या बतलाना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसको बतलाने से पहले आप लोग थोड़ा सा एक बात जान लीजिए कि कौन बड़ी है कौन छोटी इसका पता कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ संख्या होता है जैसे मैं एक तो लिख दिया यहाँ पे पाँच और यहाँ लिख दिया ऋण दस, तो दोनों में बड़ी कौन होगी। तो दिखने में क्या है दस बड़ा लगता है लेकिन इसके सामने क्या है ऋण का चिन्ह है और ये क्या है इसके सामने कुछ नहीं मतलब धन का चिन्ह है इसलिए ऋण पाँच है। मतलब धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से क्या होगी बड़ी होती है। इस चीज को मात्र जानना है कि धनात्मक संख्या क्या होता है ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। तो ऐसी है हमारा सवाल एक में जैसे दिया हुआ है पांच बटे नौ और शून्य, तो दोनों में बड़ा कौन होगा पांच बटे नौ और शून्य में बड़ी कौन सी है पाँच बटे नौ, क्योंकि शून्य से पाँच बटे नौ बड़ा है। अगला दिया हुआ है ख नंबर ऋण छः बटे सात और शून्य, शून्य ऋण छः बटे सात और शून्य दोनों में बड़ी बड़ी कौन सा होगा। इसमें बड़ी क्या है शून्य बड़ी है
क्योंकि ये ऋण है, ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या के बाद ही क्या आता है, शून्य आता है। जैसे हम लोग संख्या रेखा पढ़े थे, यहाँ पे शून्य रहता है, इधर एक आता है और इधर भी आएगा ऋण एक, तो शून्य के बाद में ही आएगा, इसलिए शून्य से क्या होगा, एक छोटा होगा। ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होती है, जितना बड़ी होती है ऋण लगने के बाद उतना छोटा हो जाता है, इसलिए 6/7 और शून्य में बड़ी क्या हो जाएगा, शून्य। ग नंबर ऋण 5/3 और 17/10। देखिए यहाँ पे दोनों जगह ऋण दिया हुआ है, एक जगह अंश में है, एक जगह हर में है, दोनों में ऋण बड़ी बनाना है। तो हम बड़ी क्या होगा, अंश में हो या ऋण में हो, उसका प्रभाव दोनों पर नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों अगर ऋणात्मक संख्या, ये भी ऋणात्मक संख्या है, ये भी ऋणात्मक संख्या है, और ये क्या है, ऋण 5 है, और ये क्या है, ऋण 17 है। तो ऋण 5 से ऋण 17 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ऋण 5 के बाद उधर क्या आएगा, ऋण 17 आएगा, इसलिए क्या होगा, ऋण 5/3 बड़ी होगी। ऋण 5/3 अगर इसको हम लोग भाग करके देखते हैं तो 5 कितना हो जाता है, 5 हो जाएगा, और 3 2 5 3 6 18 इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.7। तो 1.7 बड़ा है और क्या है, छोटा है। तो ऋणात्मक संख्या से क्या होता है, नहीं ऋणात्मक, जब ऋण संख्या बड़ी होती है, ऋण लगा होता है, तो जो बड़ा होगा वो क्या हो जाता है, छोटा, और छोटा वाला बड़ा हो जाता है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे 5/3 बड़ा है। अब घ नंबर 6/5 और ऋण में है, सवाल में दिया हुआ है ऋण हर में, और ऋण 13/ ऋण 8 में बड़ी, बड़ी कौन सा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, यहाँ भी ऋण दिया हुआ है, यहाँ ऊपर और नीचे ऋण दिया हुआ है, तो ऋण ऋण आपस में कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या बन जाएगा, और ऋणात्मक संख्या है, इसलिए 13/8 क्या हो जाएगा, बड़ी आ जाएगा। ऋण 13 और 8 में दोनों ऋण ऋण कट गया, इसलिए 13/8 बड़ी हो गया है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 4 नंबर, 4/9 के अंश में क्या जोड़े की वह संख्या 2/3 बन जाए। हमको ये दिया हुआ है 4/9 में क्या जोड़े, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 बन जाए। तो इसको हल करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि 4/9 में x जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। लोग ऐसा मानते हैं कि अज्ञात राशि, हमको जो राशि नहीं पता होता है उसको जोड़ना रहता है, या घटाना है या भाग करना है, तो वहाँ पे अचर राशि एक्स वाई जेड का ही प्रयोग करते हैं। इससे हम लोग क्या जोड़े थे, हम लिख दिए एक्स जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, 4/9 में क्या जोड़ेंगे, एक्स को जोड़ दिए, तो हमारा जो प्राप्त होने वाली संख्या क्या है,
दो बटे तीन ऐसा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चर संख्या है और ये चर है और ये अचर है, तो चर और अचर एक साथ नहीं रहते हैं, इसलिए चार बटे नौ क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, चार बटे नौ को पक्षांतर करने पर, कैसे पक्षांतर होगा मतलब पक्ष चेंज कर देंगे, जैसे ये दिया हुआ है बाएं पक्ष में इसको ले जाएंगे दाएं पक्ष में, तो यहाँ पे कुछ चिन्ह दिया हुआ था, हम क्या है धन चिन्ह है, तो ये पक्ष चेंज करते हैं, पक्षांतर चेंज करेंगे तो ये धन चिन्ह इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह में बदल जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा मात्र x बचेगा, उसके बाद दो बटे तीन इधर गया दाएं तरफ से बाएं तरफ से दाएं साइड में, तो ये धन था तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋण चार बटे नौ। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो कैसे हल करेंगे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है तीन का गुणज कितना है नौ, मतलब तीन का पारा में नौ आता है, तीन का पारा में क्या होता है नौ आता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देते हैं साधारण सा संहर करने पर, समहर मतलब हल क्या कर देंगे समान करने पर, समहर करने पर, समहर कैसा हो जाएगा कि अब हल को हमको यहाँ पे नौ दिया हुआ है, तो यहाँ भी यहाँ नौ है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए नौ, तो तीन का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो नौ आएगा, तो तीन का पहाड़ा पढ़ लीजिए, तीन एकम तीन, तीन दो नीचे तीन दिया नौ, तो इसके अंश और हर में तीन का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दो गुणित तीन बटे तीन गुणित तीन ऋण चार बटे नौ। अब आपस में गुणा कर देंगे यहाँ कितना हो जाएगा तीन दूनी छः और तीन दिया नौ ऋण चार बटे नौ। अब देखिए यहाँ पे दोनों का हर क्या हो चुका है बराबर हो चुका है, तो जैसे बराबर होता है तो दोनों के घर में कितना लिख देते हैं एक ठो को लिख देते हैं और ऊपर की संख्या को उतार देते हैं छः, यहाँ ऋण चिन्ह है यहाँ ऋण आ जाएगा और ये चार, तो कितना आ गया हमारे पास ये एक्स है सब में एक्स एक्स आएगा तो कितना हो जाएगा छः ऋण दो, तो यहाँ पे छः में दो घटा देंगे तो कितना बचेगा दो बटे नौ। इस प्रकार हमारा जो संख्या है क्या है चार बटे नौ में कितना जोड़े तो दो बटे नौ आएगा, वो संख्या कितना आ गया एक्स। अब चलिए यहाँ पे एक बार आप लोग जांच करके देख लेते हैं एक्स बराबर कितना है नौ बटे दो, अगर हम लोग एक्स की जगह में दो बटे नौ लिखते हैं तो दो बटे तीन आता है कि नहीं आता है, तो देखिए यहाँ पे उत्तर की जाँच कर देता हूँ, उत्तर की अब एक्स की जगह हमारा ये मान आया है दो बटे नौ लिख देते हैं, तो चार बटे नौ धन एक्स की जगह लिख देंगे दो बटे नौ। जैसे यहाँ पे दोनों का हर क्या था बराबर था, तो यहाँ पे क्या लिख दिए थे दोनों हर में से एक हर के नौ को, तो यहाँ भी वैसे दिया हुआ है दोनों का हर समान है एक तो हर को लिख देंगे नौ, ऊपर की संख्या यहाँ था छः ऋण चार तो वैसे ही दिया हुआ है चार धन दो, यहाँ ऋण था यहाँ ऋण लिखे थे यहाँ धन है यहाँ पे धन लिख देंगे तो कितना हो जाएगा चार धन दो। अब चार और दो कितना हो जाएगा छः बटे नौ, अब देखिए छः को क्या लिख सकते हैं दो, अब ऐसा संख्या खोजिए जो छः और नौ आता है कौन सा पहाड़ा में आता है, तो देखिए यहाँ पे छः का पहाड़ा में या तीन का पहाड़ा में दो बार में छः आएगा और तीन कितना बार में आएगा तीन बार में, तो दो बटे नौ हमारा सवाल प्राप्त हो चुका है मतलब क्या जोड़ने पर एक्स जोड़ने पर। तो इस प्रकार सवाल नंबर चार बनकर तैयार है। सवाल नंबर पाँच है
संख्या 5/6 के घर में क्या घटाया जाए कि संख्या 1 प्राप्त हो। ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देते हैं हर सवाल 4 की तरह। माना कि परिमेय संख्या परिमेय माना कि परिमेय संख्या 5/6 के हर में, जैसे वहां लिखे थे हम लोग x जोड़ने पर, तो यहां पे हम लोग पुनः लिख देंगे x घटाने पर 1 प्राप्त होगा। चलिए अब हम सवाल की तरह हल करते हैं, लिखे हो इसे। हमारा जो परिमेय संख्या है इसमें क्या है, ये अंश है और नीचे वाला क्या है हर, तो हर में क्या घटा देंगे 1, तो कितना प्राप्त होगा 1। तो यहाँ पे 5/6 x = 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 6 ऋण 1 को यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर क्या होगा, ये 6/x भाग के रूप में है, मतलब हर है, तो अगर 1 के साथ पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये गुणा के रूप में आ जाएगा। या इसको चलिए कि नहीं ठीक है, या इसको कर सकते थे, पक्षांतर करने का है 6/5 से क्या है भाग है, तो दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे। ध्यान लिख सकते हैं हम लोग दोनों विधि से, दोनों रूपों में, मैं ठीक है दोनों को बदला दूंगा, 5/6 x = 2 इसलिए क्या करेंगे गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 5/6 x गुणा करना है दोनों साइड में, मतलब दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी, 6 ऋण x = 1 6 ऋण x। अब ये अंश में है, ये हर में है, तो कट गया, यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ पे 6 ऋण x। तो इससे पहले हम लोग क्या किए थे, चर और चर को अलग कर दिए थे, तो इसको अब अलग कर देते हैं, इस 6 को पक्षांतर करके जाएंगे इधर, तो 6 के सामने क्या चिन्ह है, धन चिन्ह इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा ऋण चिन्ह। तो कर देते हैं यहाँ पे 6 पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर इसको बोल सकते हैं, चर और अचर को अलग अलग करने पर भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं चर और अचर को अलग अलग करने पर, अलग अलग करने पर। अब अलग अलग करेंगे तो 6 इधर आ जाएगा, ये 5 है, तो 5 ही रहेगा, यहाँ धन चिन्ह था इधर आ गया, ऋण चिन्ह हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना बचेगा 3x। फिर घटा देंगे 6 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब बड़ा संख्या के सामने ऋण चिन्ह है, यहाँ ऋण रेख आएगा, और यहाँ कितना दिया हुआ है x, ये ऋण और ऋण कट जाएगा, इस प्रकार x बराबर कितना बचेगा 1, ये हमारा उत्तर है। यहाँ को थोड़ा सा समझ लीजिए, पक्षांतर कैसे पक्षांतर करते हैं, यहीं को मतलब हम लोग इसका पक्षांतर करेंगे ऋण 6/1 का, तो ये सीधा इसके साथ क्या हो जाता है गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 बराबर 6 नहीं
एक गुणे छ पाँच, सीधा हमारे पास ए लाइन प्राप्त होगा, उसके बाद सेम हल होगा। हमारा प्रश्न नंबर पाँच कंप्लीट हो चुका है। हमारा अगला सवाल है, किसी भिन्न का अंश उसके हर से दो अधिक है, यदि भिन्न का अंश पाँच हो तो भिन्न क्या होगी। ये हमारे प्रश्नावली का आज का अंतिम सवाल और हमारे वीडियो का भी अंतिम सवाल है, तो चलिए हल करते हैं। छोटा सा सवाल है, बस थोड़ा सा समझना है। किसी भिन्न का अंश उसके हर से दो अधिक है, अंश क्या है उसके हर से दो अधिक है, यदि भिन्न का अंश क्या है पांच है। तो यहां पर बोल सकते हैं, दिया है भिन्न का अंश कितना है, अंश बराबर पांच। क्या बोल सकते हैं, दिया है भिन्न का अंश पांच दिया है, तो हमको हल करना है हर कि हर क्या होगा। तो लिख देते हैं भिन्न का हर क्या हो जाएगा, भिन्न का हर क्या होगा, उसके हर से दो अधिक है, तो भिन्न का हर में क्या करेंगे, दो को घटा देंगे। जो दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, दो घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, भिन्न का अंश ध्यान दे देंगे, भिन्न का हर दो अधिक, किसी भिन्न का अंश उसके हर से दो अधिक है, तो हम हर में क्या करेंगे, जो अंश में दो को घटा देंगे, हमारे पास क्या प्राप्त होगा तीन। इस प्रकार हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, इस प्रकार भिन्न क्या प्राप्त होगा, पांच बटे तीन।